आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। जमुई सदर थाना क्षेत्र के अभयपुर गांव में शुक्रवार को 4 फीट के रास्ते को घेरने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर रोड़ेबाजी हुई। मारपीट की घटना के साथ एक पक्ष की तरफ से 4 राउंड फायरिंग भी की गई। घटना के बाद गांव में दोनों पक्षों के बीच तनाव बरकरार है। वहीं स्थानीय पुलिस गांव में कैंप कर रही है। अभयपुर निवासी देवनंदन महतो और बोलो यादव के बीच 4 फीट के रास्ते को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा है। पहले भी दोनों के बीच झड़प हो चुकी है। शुक्रवार की सुबह जब देवेंद्र महतो अपनी जमीन की घेराबंदी करवा रहा था, तभी पड़ोसी बोलो यादव ने रोक लगा दी। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते दोनों तरफ से रोड़ेबाजी होने लगी। इस दौरान गांव के ही एक युवक ने 4 राउंड गोलीबारी भी की। हालांकि इस गोलीबारी में कोई भी व्यक्ति की हताहत नहीं हुआ है। भूमि विवाद को लेकर हुई रोड़ेबाजी में एक पक्ष से देवनंदन महतो, अनुज महतो, राजेश कुमार, मनोज घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष से बुलो यादव, राधे कुमार, चंदन सहित 4 लोग घायल हैं। जमुई से ब्यूरो धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। नहीं लेगा, हम आ रहे थे हम। अच्छा, क्या हुआ? और ईंटा बच रहा था, हम देखा नहीं, माथा पर बजा था, हम देखा नहीं, हमको लग गया ईंटा हमारा पैर में। लेकिन मैं समझा नहीं कौन मार रहा था, लेकिन हम पीछे घूर देखा नहीं हम कौन चला रहा था। लेकिन हम यहाँ पर आए, यहाँ पर घर करके उसके बाद लौटे। हम देखा बहुत मारपीट हो रहा है, लेकिन हम देखा कि कौन कौन है। लेकिन फिर हमको फिर यहाँ पर गोली चला है। हाँ, गोली चला था, आवाज सुने हम, लेकिन हम फिर देखा नहीं। फिर हम चले, चोट लगा, हम चले, फिर नहीं देखा हम। मिथिलेश समझिए, जहाँ लड़ाई छिड़ा वहीं पर घर था। हम देखे, समझाने गए, उधर से देखे कि ईटा पत्थर चला रहा है, निकाल चलाया। उसके बाद मेरा पैर में लग गया और फिर बाद में फिर मैं गोली का राउंड चलने लगा, 4 राउंड मारा, हम वहाँ से भागे, अपना घर चले गए। यही सब देखे हैं राधेश्याम कुमार।